पूरा खुला है ये के रखियो है उठाई करो ओली आगे ने गता हाड़ रखो मु दिन सफाई करो सफाई करो नहीं सफाई करो और मारे रे झटका जो के कोई दुकान लाग रे कौन है भाई मु नो बीमार है लगे कर दी ए 1 किलो अलग ना 2 किलो अलग रे धोली अलग रंगीन अलग क्या साथ लाल बन को है ने चलो करे आज का ये ही पसे आज की कमरे का रो आज ये रिका रो कल को भी दुख लगता है सब पे ए बाहर है मुड़ जा करता हार्ड दर है ए ठंडा लगता क्या पा जाए दुनिया में को तो एक लाख कर दे ऐसे भाई उमर का मुंह दिखा दे ओ बाकी यार भी दूं नहीं यार ये दूध करता है घर होगी दूध नहीं पकता या वा तो उमर से तो करो सपाई मारे एक ही चीज टूटन नहीं चाहिए अच्छा हां एक दो हां एक दो नहीं करना जैसे तू ध्यान रख के अपने हां मैं एक ही चीज दो मत करिया एक दो हम दो को नहीं मोड़ की करो हम दो कर दे हम बंदर वाला पार्ट दो ए बंदर वाला एकदम बंदर वाला बना ए कुतिया ने दो सारा रे घणो दे सही कर दे हां हां ए दो नुकाण है दो एकदम तावड़े हुका तावड़ बढ़िया आ तो से आज को में वा तो पंखो भी जे आ चुका पंखो काई को मेड़ो कर पास तकरी घूमी तो एड़ा घूमी रहे चढ़ को जाए माथे पड़ा को आ खाओ ओवा ए दे कई खा ले काई के दे जावी हेलो गाइस, आज एस के किचन में बनने जा रहे हैं मुंह में घुलने वाले गुलाब जामुन। देखिए, देखते मुंह में आया ना पानी, तो चलते हैं इसके प्रोसेस पर। तो यहाँ मैंने लिया है 1 किलो फीका मावा। मावा एकदम फ्रेश है, आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। मैं ये रेडीमेड मार्केट से लेके आई हूँ। त्योहारों के सीजन में हर जगह मावा बहुत ही फ्रेश मिलता है, तो आप कोई भी दुकान से अच्छा सा मावा ले लें और चाहे तो घर पर ही बना लें। तो इस मावे को करेंगे हम सबसे पहले कद्दूकस। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कद्दूकस, आप चाहे तो हथेली से भी इसे अच्छे से मसल सकते हैं। होली का रंगीन त्यौहार आ चुका है और हर दुकानों पे अच्छी अच्छी रंगीन रंगीन मिठाइयाँ सज रही है, तो होली के इस त्यौहार पे हम भी अच्छे से गुलाब जामुन घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सब कद्दूकस हो जाने के बाद इसमें क्या डालते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ तो मावा हो गया है अच्छे से मिक्स, तो चलिए अब इसमें क्या क्या डालते हैं देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी मैदा। 1 किलो मावे में हमेशा 100 ग्राम मैदा डाला जाता है। कभी कभी मावे पर भी डिपेंड करता है, मावे में कभी मैदा ज़्यादा भी डल जाता है और कभी कम भी, क्योंकि ये मावा थोड़ा रनी है तो मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। हालांकि हमेशा यही मेजरमेंट रहता है कि 1 किलो मावा में 100 ग्राम मैदा ही डाला जाता है। तो यहाँ मैंने पूरी 1 कटोरी मैदा डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे सीक्रेट हलवाइयों वाला। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालूँगी, तो ये हलवाई लोग ज़रूर से डालते हैं, आप भी डालिएगा, क्योंकि इससे डालने से गुलाब जामुन के अंदर अच्छी सी जाली बनती है। तो यहाँ मैंने गुलाब जामुन का सारा बैटर रेडी कर दिया है, तो मावा अच्छे से सेट हो चुका है और इसकी बना देंगे छोटी छोटी लोइयाँ। वैसे तो गुलाब जामुन में और भी हलवाई वाला सीक्रेट है, पर वो आगे आने वाली मैं गुलाब जामुन बाटी जब बनाऊंगी तब आपको वो सीक्रेट ज़रूर से बताऊंगी। तो यहाँ छोटी छोटी लोइयाँ कर ली और मुझे याद आया है कि मैंने घी चढ़ाया ही नहीं है, तो कढ़ाई में मैंने घी चढ़ा दिया है और अब कर देंगे लोइयाँ छोटी छोटी। आप चाहे तो इन गोलियों के अंदर काजू किशमिश या बादाम वाला भी मिश्रण भर सकते हैं, पर मैं इसे साधारण ही बना रही हूँ। तो दोनों हथेलियों की सहायता से हम गोलियाँ बना लेंगे। तो छोटी छोटी नींबू के आकार की हमने सारी गोलियाँ
बनाना शुरू कर दिया है और एक छोटी सी टेस्टिंग बोल भी बना ली है। चलिए बोल ले तो गई है रेडी और अब चलते हैं फ्राई की ओर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ली है चीनी। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीनी, तो भाई गुलाब जामुन के लिए बहुत सारी चाशनी चाहिए होती है, तो मैंने यहाँ तकरीबन 2 किलो चीनी ली है और इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। तो हमें चाशनी ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी है, केवल चीनी घुल जाए और 2-3 उबाल आ जाए यही चाशनी चाहिए होती है। पर जब हम इसे गुलाब जामुन डालेंगे तब हमारी चाशनी गर्म होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब गुलाब जामुन की तरफ। तो यहाँ मैंने घी लिया है, आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ घी लिया है, तो आप घी में भी गुलाब जामुन बना सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने घी गर्म कर दिया है। गुलाब जामुन ऐसा होता है कि इसे हमें तेज आंच पर भी फ्राई नहीं करना है और बिल्कुल धीमी आंच पर भी फ्राई नहीं करना है। और गुलाब जामुन के लिए घी कैसे गर्म होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे ही हम गुलाब जामुन की बोल को घी में डालते हैं और जैसे ही हम गुलाब जामुन की बोल को घी में डालते हैं और चम्मच की सहायता से घी को साइडों में से हिलाते हैं तो गुलाब जामुन ऊपर की तरफ उठकर आ जाते हैं, तो हमारा घी अच्छे से तैयार है। याद रखिए, जब आप गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आप चम्मच को घी के साइड किनारों पर ही चलाएं, चम्मच की सहायता से कभी भी गुलाब जामुन को न छेड़ें। मेरी यहाँ कढ़ाई थोड़ी छोटी है, इस वजह से मैं गुलाब जामुन को करछी की सहायता से ही हिला रही हूँ। तो उसे मुझे प्रैक्टिस है तो मैं कर सकती हूँ, पर जब आप बनाएं तो ध्यान रखिए घी को साइड से हिलाते रहे और गुलाब जामुन अपने आप घूमते हुए सारी तरह से पक जाएंगे। तो आप फर्स्ट टाइम 1-2 गुलाब जामुन ही घी में फ्राई करें। और ये देखिए गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं और ये जब चाशनी में जाते हैं तब बड़े ही फूलकर मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ मैं सारे बैचेस बना लूँगी और उसके बाद चाशनी में डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं चाशनी में डूबे हुए, ये अंदर तक चाशनी को पी लेंगे और फूल जाएंगे। तो चाशनी हमेशा गर्म होनी चाहिए और घी मीडियम फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। तो यहाँ मेरे सारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए। तो गाइज, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नए अगले ब्लॉग के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त।